नमस्कार, मैं हूँ अदिति अवस्थी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश। लेकिन मीका से बातचीत ब्रेक के उस पार ही जारी है, क्योंकि जानना है कि ये हिट मशीन आखिर हिट मशीन बनी कैसे। टॉप 10 बॉलीवुड नंबर्स के ताजा तरीन काउंटडाउन के साथ मैं अदिति अवस्थी हाजिर हूँ आपके सामने। बॉलीवुड और दिल्ली का रोमांस सालों पुराना है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। 2010 में दिल्ली और दिल्ली वालों के तमाम रंग बड़े पर्दे पर देखने को मिले। इन सब की झलकियां हम समेट लाए हैं अपनी इस खास पेशकश में। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं दिल्ली के दिल इंडिया गेट से। दिल्ली यानी वो शहर जो बॉलीवुड की दिलरुबा है। समीरा, आपने इतना मुझे मतलब वो कर दिया है, मतलब अल्योर हो गई हूँ मैं इस पूरे आइडिया से कि आप वो एक बार ठुमका मार के एक बार इस आउटफिट में तो क्या हो गया अगर आप नहीं मैं ऐसा बिल्कुल तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। समीरा, मैं तो फिर मैं करूंगी तो मजा नहीं आएगा ना, बिकॉज़ आई एम नॉट एज ग्रेसफुल एंड एज गुड अ डांसर एज यू आर। मेरे पास अगर वो जो चोली और एक बहुत ज्यादा एक टेम्पटेशन का क्या करूं, प्लीज यू नो मैं गाना गाऊंगी। हां, एब्सोल्युटली नॉट। एक बार कोई नहीं देख रहा है समीरा, नोबडी इज वाचिंग। मुन्नी बदनाम हुई हमारे डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओके। हमारे बॉलीवुड स्टार्स पर भी दिल्ली का ही जादू छाया है। तभी तो किसी फिल्म का प्रमोशन करना हो या उसकी कामयाबी का जश्न मनाना, हर सितारा दिल्ली की ही दौड़ लगाता है। शर्मिला टैगोर की बात से यह साफ हो जाता है कि दिल्ली का डंका बॉलीवुड में बज रहा है और उसका शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है। बॉलीवुड का दिल्ली के लिए ये प्यार बदस्तूर जारी है, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश दिल ले गई दिल्ली। सनी लियोनी के साथ काम करना कितना डिफरेंट था, क्योंकि यकीनन शी वाज नॉट अनदर न्यूकमर। वो एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस है और उन फिल्मों में और इन फिल्मों में बहुत अंतर होता है। नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। बॉलीवुड में साड़ी बदनाम हो गई है और साड़ी को बदनाम करा रही है श्वेता तिवारी। जी हाँ, छोटे पर्दे की ये हिट बहू बॉलीवुड में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही है, लेकिन बड़े पर्दे पर आते ही श्वेता की साड़ी ने सनसनी फैला दी है। ठीक उसी तरह जैसे जीनत अमान, मंदाकिनी और शिल्पा शिरोडकर की साड़ी ने कभी हंगामा मचाया था। श्वेता तिवारी अब टीवी सीरियलों के बाद फिल्मों में एंट्री कर रही हैं और इसकी शुरुआत हो रही है श्वेता तिवारी के सबसे सेक्सी अवतार से। बॉलीवुड में सबसे सेक्सी अवतार पेश करने वालों में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो है जीनत अमान। आज से करीब 33 साल पहले सन 78 में जीनत अमान की साड़ी भी खूब बदनाम हुई थी। सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने अपनी सफेद छोटी सी साड़ी से सनसनी फैला दी थी। शायद इसी साड़ी ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर भी बनाया। अब श्वेता तिवारी अपनी आने वाली फिल्म में जीनत अमान को कॉपी कर रही हैं। उनकी आवाज का जादू हो या फिर उनके बेबाक अंदाज, इस सिंगर की हर बात निराली है, जरा हटकर है। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हिट मशीन मीका से। मीका, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। बिल्कुल मीका, हमें बताइए, एक के बाद एक हिट नंबर, गाना गाते हैं हिट हो जाता है, गाते हैं हिट हो जाता है, हिट मशीन बन गए। वेल, हिट मशीन तो नहीं मैं कहूँगा, बट आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ एंड कि मेरे को सारे गाने अच्छे मिलते हैं। मीका, जैसा कि आपने कहा कि चूजी हैं बहुत और गाना चूज कर गाते हैं, जी, तो क्या ध्यान में रखते हैं जब कोई भी गाना चूज करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के अलावा? कैसे आपको पता चलता है कि ये गाना तो हिट होगा ही होगा? ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आप पॉपुलर होते हैं तो आपको गाने के ऑफर्स बहुत आते हैं। तो अगर मैं आज रोज मेरे को दो गाने के ऑफर आते हैं कि मीका आप गाना गा लो, कभी सुबह शाम के ना दो गाने के ऑफर्स देती है, तो अगर मैं दो गाने रोज गाऊंगा तो आई गेस के साल के 700 सॉन्ग्स बनते मेरे। उसने पहले शीला की जवानी को रातों रात हिट कर दिया, उसने मुन्नी की बदनामी के चर्चे करवा दिए और अब वो रज्जो को राज कराने की तैयारी कर रही है। उसने अपनी फिल्म में सोनाक्षी का मुकाबला कटरीना से करवा दिया है। सोनाक्षी के आइटम का सबको बेसब्री से इंतजार होगा। आते ही बॉलीवुड पर छा जाने वाली ये हसीना अब कौन सा धमाका करेगी, ये तो सभी देखना चाहेंगे। वैसे हाल के दिनों में दबंग की ये रज्जो जहां जहां गई वहां इसकी दबंगई साफ नजर आई।
टॉप 10 बॉलीवुड नंबर्स के ताजा तरीन काउंटडाउन के साथ मैं अदिति अवस्थी हाजिर हूं आपके सामने। आज हम आपको लेकर आए हैं साकेत के बेहद पॉपुलर लाउंज सेकंड सिन में, और यहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी से जो दिल्ली से मुंबई गई और मुंबई में सभी को अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का कायल बना दिया। जी हाँ, अनुराग कश्यप की बहुचर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर से डेब्यू कर रही हुमा कुरैशी से होगी आपकी मुलाकात। तो चलिए शुरुआत करते हैं मस्ती भरे सफर की। यूं तो बॉलीवुड में ढेरों हसीनाएं डेब्यू करती हैं हर साल, पर शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो अपनी पहली ही फिल्म के साथ कैंस फिल्म फेस्टिवल पहुंच जाए। ये खुश नसीब एक्ट्रेस एक्चुअली हैं हुमा। हाय हुमा, वेलकम टू आवर शो। हाय, थैंक यू सो मच। हाय, पहली फिल्म एंड गोइंग प्लेसेस ऑलरेडी, रिलीज से पहले भी कैसा एक्सपीरियंस है ये पूरा? सच बोलूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पहली फिल्म है और कान फिल्म फेस्टिवल में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है। एंड इट्स क्वाइट एन अनबिलीवेबल फीलिंग, और बहुत मज़ा आया वहाँ जाके। व्हेन द वर्ल्ड ऑडियंस रिस्पॉन्डेड सो वेल एंड दे क्लैप्ड एंड दे चीयर्ड एंड वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, इट फेल्ट वंडरफुल। गैंग्स ऑफ वासीपुर से कैसे जुड़ाव हुआ? गैंग्स ऑफ वासीपुर, मैं एक्चुअली दिल्ली की लड़की हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ और यहीं मेरी एजुकेशन हुई है। गार्गी कॉलेज से मैं हूँ और बहुत सारा थिएटर किया है मैंने। उसके बाद व्हेन आई मूव टू बॉम्बे, तो वहाँ से मैं टेलीविजन कमर्शियल्स मैंने बहुत सारे किए। आप जाकर देखिए गाना नंबर 10 और 9, लौटेंगे और उनसे जानेंगे कि इस फिल्म में इतना खास क्या है कि हर कोई बस इसी की बात कर रहा है। लेकिन दिल्ली में किया गया थिएटर काम आया हुमा के अपनी पहली फिल्म में काम करने के दौरान, स्पेशली क्योंकि वो फिल्म अनुराग कश्यप की थी, जो कि एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर हैं और बहुत डिफिकल्ट टू प्लीज माने जाते हैं। फिलहाल आप जाकर देखिए गाना नंबर 8 और 7। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत सारा एक्साइटिंग काम कर रहे हैं मीका, लेकिन मीका से बातचीत ब्रेक के उस पार भी जारी है, क्योंकि जानना है कि ये हिट मशीन आखिर हिट मशीन बनी कैसे। गो टेक अ ब्रेक।